हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सीएचएसएल के जो है ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप करेंगे ना, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको जो है फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। बट दोस्तों, एक प्रॉब्लम यह है ना कि आपको जो है फोटो अपलोड करना होगा, वो भी लाइव। जी हाँ दोस्तों, लाइव फोटो यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल से लाइव फोटो को कैप्चर करेंगे और किस प्रकार जो है अपलोड करेंगे। मैं आप लोगों को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग फोटो को ही अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर जाना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है अपने स्मार्टफोन में आपको प्ले स्टोर पर आना होगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आप लोग सर्च करेंगे माई एसएससी। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन दिखेंगे माई एसएससी, आप इसको क्या करेंगे इंस्टॉल कर देंगे। इसको जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ना दोस्तों, आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए बोला जाएगा। देखिए, ये 3 MB का एप्लीकेशन है, मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है और अभी इंस्टॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इंस्टॉल भी स्टार्ट हो चुका है, अभी मेरा इंस्टॉल होके जो है ओपन भी हो जाएगा। देखिए, ये ओपन हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए यूज़र नेम आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे और यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, आप कौन वाला यूज़र नेम और कौन वाला पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे, देखिए अभी जो आप फॉर्म भर रहे होंगे मीन्स एसएससी का जो नए वेबसाइट में अभी फॉर्म भर रहे होंगे, उस टाइम जो भी यूज़र नेम और जो भी पासवर्ड दे के आप जो है लॉगिन किए होंगे ना, वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड दे के आपको जो है लॉगिन कर लेने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यूज़र नेम पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों कैप्चा जो है कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसमें एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखेगा। आपको सबसे ऊपर में कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखेगा और साइड में आप देख सकते हैं कैप्चर का ऑप्शन है, तो कैप्चर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर से कैमरा का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपका कैमरा को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे अपना फोटो को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, कैप्चर करने के बाद दोस्तों ये कुछ देर तक वेट करने के लिए बोला जाएगा, इसके बाद अपलोड करेंगे। और अगर अच्छा नहीं होता है तो ठीक से आप अच्छा से क्रॉप कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपलोड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली कंटिन्यू इन वेबसाइट, तो आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग चल जाते हैं कंप्यूटर पे। इसके बाद दोस्तों आप आएंगे अपने वेबसाइट पे जहाँ से आप जो है फॉर्म को भर रहे होंगे, फिर आप क्या करेंगे गो बैक के एक बार क्लिक करेंगे मीन्स एक बार वापस बैक करेंगे। इसके बाद फिर से सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे दोस्तों सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, आपको देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अभी दोस्तों आपका फोटो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखाया हूँ एक एक चीज कैसे करके आप जो है अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अभी दोस्तों आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं एप्लीकेशन विथ ब्लर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो व्हाइट पेपर में लिखिएगा और साफ साफ सिग्नेचर कीजिएगा, तो ही दोस्तों आप लोगों का यहां पे सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, अभी सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को जो है लाइव इस वीडियो में दिखा चुका हूं। और अपना स्मार्टफोन से आप लोग जो है प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसके माध्यम से आप जो है
फोटो को लाइव ले सकते हैं, फिर सिग्नेचर आप जो है अपना सिस्टम में ही अपलोड कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।